दिल्ली से इस वक्त तरुण कालरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, सीधा दिखाइए कैसा हो रहा है बाहर मौसम, आप भी एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल, एकाएक बारिश होनी शुरू हो गई थी। हालांकि IMD ने ये प्रिडिक्शन दे दिया था कि कुछ ही देर के अंदर दिल्ली और NCR के अंदर मौसम सुहाना हो सकता है, मॉडरेट ड्रिजलिंग हो सकती है और कहीं पर हैवी डाउनपॉर भी हो सकता है। लेकिन जिस जगह पर मैं हूँ वो दिल्ली का लुटियन जोन इलाका है और मेरे पीछे अभी बारिश तो रुक गई है, लेकिन मौसम में आर्द्रता महसूस की जा रही है, ठंडक महसूस की जा रही है। हवा की जो रफ्तार है, जब बारिश आ रही थी तब तो तेज़ थी, लेकिन अब वो धीमी हुई है। ऐसे में ये भी एक थ्रेट रहता है, आशंका रहती है कि कहीं बारिश के बाद जो पसीनों निकलने वाली जो उमस हो जाती है, वैसी स्थिति तो नहीं बन जाएगी? चूंकि अगर हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर से नीचे हुई तो स्थिति उसी तरफ जाती हुई दिखाई देगी, लेकिन अभी भी जो सुबह के वक्त एक तरह से सूरज चढ़ा हुआ था, 37-38 डिग्री के आसपास टेम्परेचर मेंटेन था और वो 40 डिग्री तक भी किसी भी समय पहुंच जाता, चूंकि बीते 2 दिनों से दिल्ली के कुछ ही इलाकों के अंदर थोड़ी बहुत छिटपुट बारिश हुई थी, रिमझिम बारिश हुई थी, लेकिन अब जो करीबन 15-20 मिनटों की जो बारिश हुई है वो अच्छी खासी बारिश हुई है। रोड किस तरह से गीला है उसी से इस बात का आप दर्शक भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो लोग जो शायद इस अच्छे मौसम का मज़ा उस समय नहीं ले पाए हैं। IMD का ये भी प्रिडिक्शन है कि दिल्ली में रहकर आज पूरा दिन यानी कि देर शाम तक भी इसी तरह से ड्रिजलिंग हो सकती है, रिमझिम बारिश हो सकती है और कुछ जगहों पर थोड़ी ज़्यादा बारिश भी हो सकती है। लिहाजा थोड़ी देर 15-20 मिनट की बारिश के मद्देनज़र करीबन 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर के अंदर डाउन ट्रेंड गिरावट देखी जा रही है। ठीक है तरुण, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए।